Hello students, let us solve this linear pair of equations. So इस equation को solve करने के लिए हमारे पास अलग अलग method हैं, but what we'll do कि हम इसको direct method से solve करेंगे. And so let me first write down these linear equations. 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy. ओके इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो भी एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड ही इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज जो भी हमारे दूसरे मेथड्स हैं वो थोड़े से टिकी हो जाएंगे. तो आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज करें, आई विल रिकमेंड. सो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए मैं इस टर्म को आई विल यूज द सिंपल मेथड. सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप इस चैप्टर की अगर आपने काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि आप सेकंड टर्म को अगर डायरेक्टली आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा. बट एनीवे मैं सबसे इजी मेथड यूज कर रहा हूं कि जो भी एक्स के साथ फर्स्ट इक्वेशन में उसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, जो भी एक्स के साथ सेकेंड इक्वेशन में उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो. सो इट विल बिकम 12x प्लस 6y इज इक्वल टू 12xy एंड 12x प्लस 24y इज इक्वल टू 30xy. सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये कैंसिल आउट हो गया. इट विल बिकम माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 18xy. ओके माइनस 18 कैंसिल आउट हो जाएंगे और y से y कैंसिल आउट हो गया. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन वन में हम पुट करेंगे. सो नाउ इक्वेशन 1 इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy. अब x की जगह पे हमें 1 पुट करना है. सो इट विल बिकम 6 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इंटू y. सो इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6y. नाउ वी हैव टू सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y को एक साइड पे लेके जाएंगे और x को जो भी नॉर्मल टर्म्स है उसको दूसरी साइड पे रखते हैं. सो 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 3y इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6 बाय 3 इज इक्वल टू 2. सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.